हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे हु इज द बेस्ट स्पाइडरमैन। सबसे पहले बात करते हैं टॉबी मैग्वायर की, जो नेचुरल स्पाइडरमैन है। ये सैंडमैन और डॉक्टर ऑक्टो से भी लड़ चुके हैं, और जो ट्रेन रोकने वाला सीन है वो इतना जबरदस्त है। उस ट्रेन को रोकने के लिए इन्होंने 1,00,000 टन का फोर्स लगाया। टॉम हॉलैंड, ये अनगिनत विलेन से लड़ चुके हैं, जैसे थेनोस, बगी, थेनोस के बेटे और डॉक्टर मिस्टीरियो से। ये स्पेस में भी जाकर लड़ चुके हैं, और इनका जो सबसे ज़बरदस्त सीन है जहाज को रोकने वाला, जिसमें इन्होंने 2,00,000 टन पर ईच हैंड होल्ड किया था। दोस्तों अब बारी है अमेजिंग स्पाइडरमैन की, जिनका नाम एंड्रयू गारफील्ड है। ये इलेक्ट्रोमैन जैसे विलेनों से लड़ चुके हैं। इन्होंने एक हाथ से चलती हुई कार को होल्ड कर रखा था दोस्तों, जिसमें बहुत ताकत की जरूरत होती है, और ये स्मार्टनेस के मामले में भी सबसे आगे। वैसे तो तीनों स्पाइडरमैन एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंट स्ट्रेंथ, एबिलिटी और एंड्योरेंस को देखते हुए, और जो फिल्मों में दिखाए गए मूवी फैक्ट के आधार पर, हम ये चूज करते हैं कि सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन आखिर है कौन। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। अब बात है कंक्लूजन की। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हमारे एंड्रयू गारफील्ड जी। इनको स्ट्रेंथ पे मिले हैं 35 और इंटेलिजेंट मिले हैं 45। नेक्स्ट टॉबी मैग्वायर, इनको स्ट्रेंथ पे मिले हैं 40 और इंटेलिजेंट में 45। और हमारे टॉम हॉलैंड, जिनको स्ट्रेंथ पे मिले हैं 45 और इंटेलिजेंट में 45। और विनर है फाइनली टॉम हॉलैंड, ये इन्होंने प्रूव किया है।